सुनते सब हारे दरवाजे खुल जाए today, like you can see, is there walking out with that beautiful gold trophy, the most sought after in football. Who's going to take it home? Pablo, can you do it? रंग को लेकर पठान फिल्म में भंग डालने वालों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि देश की जनता की जेब के रंग में भंग कर डालने वाली महंगाई पर जिम्मेदार आखिर कब बोलेंगे? नौजवानों की जिंदगी के रंग में भंग डाल रही बेरोजगारी पर जिम्मेदार नेता कब बोलेंगे? आखिर कब तक इस तरह से किसी फिल्मी कहानी में पहनी गई ड्रेस के रंग में देश के जिम्मेदार सियासतदान अपनी सियासी रोटियां सेकते रहेंगे? जितनी भी हाउ डू से ट्रेडिशंस होते हैं, रिलीजन होते हैं, बड़ा पर्सनल मामला है यार। आई थिंक चिल्ड्रन, ग्रोन अप्स, एवरीबडी शुड बी लेफ्ट टू लर्न इट देमसेल्व्स। हालांकि हमारे माँ बाप ने हमको हर चीज़ से इंट्रोड्यूस ज़रूर करा दी। सो मैं जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ पे इट वॉज़ रिफ्यूजी कॉलोनी, तो मैं रामलीला में भी जाता था तो मेरे बाप उतने खुश थे, हम ईद के लिए भी जाते थे तो बाप उतने खुश थे। एंड देन यू लर्न एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड लव ईच अदर बिकॉज यू लर्न ईच अदर्स रिलीजन ऑन योर ओन। सो आई होप माई चिल्ड्रन डू द सेम। तो मेरी यादें भी यही हैं उनके लिए, मेरी सोच भी यही है। कभी रात को बैठ के मैं, अभी रिसेंटली मैं पिछले डेढ़ साल से मैं महाभारत पढ़ रहा हूँ बिकॉज आई लव द स्टोरीज इन इट, तो वो भी मैं अब राम को सुनाता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टू मेक इट मोर एक्साइटिंग फॉर हिम। सिमिलरली जो किस्से कहानियाँ मुझे मालूम है इस्लाम के, वो भी मैं उनको बताता हूँ। बट आई टेल देम माई स्टोरीज एंड आई होप दे लर्न ऑल द रिलीजन्स ऑन देयर ओन एंड रिस्पेक्टेड एंड enjoy the fact that there are traditions and beauty there which needs to be respected and loved. आपने बताया कि महाभारत आप पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में सवाल है कि कोई कैरेक्टर है जो आप निभाना चाहते हैं या महाभारत के? आप नहीं यार, अभी तो उसके तो 18 वॉल्यूम्स हैं कुछ यार, अभी तो पढ़ना शुरू किया, बहुत ज़्यादा है वो, थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज बाय द टाइम यू रीच द सेकेंड चैप्टर ऑफ वॉल्यूम पहले वाले नाम सब भूल जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, तो मुझे लिखने पड़ते हैं। आई थिंक ईच वन ऑफ देम स्टोरीज बहुत अच्छी हैं। आई थिंक कैरेक्टर्स आर मेड बाय द स्टोरी and I think that's one of the greatest stories ever told. So बहुत अच्छे अच्छे interesting characters. शाहरुख कौन सा अध्याय अच्छा लगा सबसे? महाभारत पढ़ रहे हैं अभी, I'm sorry, I'm reading it in English. So I've just finished the first the introduction part, जब यज्ञ वगैरह शुरू होता है, तो the prequel to the starting of the storytelling, you know, जब असुरास के अगेंस्ट जो यज्ञ शुरू हुआ। मूवी आ रही है पठान, टीजर आपने देखा कैसा लगा? हाँ, मुझे टीजर बहुत अमेजिंग लगा। एक्साइटेड फॉर पठान? यस यस, ऑफ कोर्स यस। पठान देखने के लिए एक्साइटेड? बहुत है। पठान मूवी देखने? जी मैम, जरूर देखेंगे। अच्छा है, आने वाले बस आने वाले तो का मजा। चलो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ एसआरके को